मैं यशार्थ मंजुल प्रेरणा मीडिया के साक्षात्कार की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री अशोक बेरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आपातकाल के दौर में आपके संस्मरण की, किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल के दौर का डट के सामना किया। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कौन सा दायित्व आपके पास था? जिस समय आपातकाल लगा सन 1975 25 जून को, मैं उत्तराखंड में कुमायूं का काम देखता था। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये तीन जिलों का एक विभाग था, उसका कार्य मेजर था उस समय। जब इमरजेंसी के बारे में पता चला तो क्या रिएक्शन रहा आपका, और आप जो संगठन के कार्यकर्ता आपके आसपास थे उनका क्या रिएक्शन था, और आपने इसको कैसे कंट्रोल किया, इस पर इससे कैसे आपने? उस साल का संघ शिक्षा वर्ग ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद में था। फिरोजाबाद में उस समय के सरसंघ चालक पोजनी बाड़ा साहब ये वर्ग में आए। जब वर्ग में आए तो दिल्ली से अनेक वरिष्ठ लोग आए वहां मिलने, बातचीत हुई, तो वहीं ये मालूम पड़ गया कि केंद्र सरकार की योजना संघ पर प्रतिबंध लगाने की है, अन्य संस्थाओं पर भी। तो उस समय इस विषय की योजना पता चली, फिर सब कार्यकर्ताओं से बैठ के बातचीत हुआ और वो संघ शिक्षा वर्ग एक दिन पहले ही समाप्त किया गया। और उस संघ शिक्षा वर्ग में सबको ये सूचना दी गई, यहाँ से सीधे अपने अपने स्थान पर जाना, वहाँ के सब सदस्यों को इस विषय की जानकारी देना कि ऐसे ऐसा होने वाला है। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया और 4 जुलाई 1975 को संघ के ऊपर प्रतिबंध। ये जो 10 दिन का बीच में समय था, संघ की गतिविधियां किस प्रकार की रही इन 10 दिनों में? संघ की गतिविधियों में कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन उस समय नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय था कि संघ के सब कार्यकर्ता स्वयंसेवकों से संपर्क करते हुए भविष्य में उनका एकत्रीकरण कैसे होगा, एक साथ कैसे बैठेंगे, कैसे आगे का योजना बनेगी, इस सारे विषय में लोग थे। ये प्रतिबंध लगा 4 जून को। 4 जून को मैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थान पर था, वहां संघ कार्यालय पर थे हम लोग। तो सामने की ओर से रात को एक सुन से जब उठा तो उसने देखा कि सामने को से पुलिस की बड़ी संख्या है, तो उसने बीच कार्यकर्ता थे वहां, उन्होंने सबको बताया ऐसे ऐसा है। तो उस कार्यालय का एक पीछे की ओर से रास्ता था, तो सब स्वयंसेवक वहां से पीछे के रास्ते से चले गए। जब तक पुलिस उस तीसरे मंजिल तक पहुंचती आगे सामने सीढ़ियों से, तब तक सब स्वयंसेवक वहां से चले गए थे। और उस पुलिस वास्तव में उन सबको गिरफ्तार करने ही आई थी, प्रतिबंध लगते ही वो इस योजना से थी। तो अपना इस बीच का कालखंड में इतना कि संघ के स्वयंसेवक जहां जहां हैं उनके अंदर विश्वास बना रहे, मन में भय ना हो, अनेक कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों का सामना कैसे कैसे करना है, इस विषय की चर्चा वार्ता शुरू हुई। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कई बार शाह कमीशन की रिपोर्ट में भी हमने आरएसएस के नाम, जो शाह कमीशन की रिपोर्ट बनी आपातकाल के बाद, आरएसएस का नाम उसमें आया। क्या कारण था कि इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी मशीनरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं के पीछे झोंका हुआ था? इसका कारण केवल मात्र एक है कि संघ की शक्ति पूरे देश भर में थी, देश भर में फैले हुए सब जगह के संसद थे और ये संख्या लाखों में थी। अन्य किसी भी पार्टी, यानी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, जिन उन दिनों लगभग 26 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया था, उनमें से किसी का भी कोई ऐसा व्यापक नहीं था कोई भी। तो संघ की इतनी प्रखर शक्ति है, ये एक विषय था। दूसरा विषय था उनका कि संघ के प्रचारक जो थे, ये संघ के प्रचारकों ही कारण से वास्तव में संघ की शक्ति है, ये इंदिरा गांधी को पता था और वास्तव में थी भी कि संघ के प्रचारकों का जैसा रोल रहता है, जैसा समर्पण है, जैसा त्याग है, उसके कारण से सारा समाज उनकी बात मानता भी था। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा कि मेरी जो जो कुछ योजनाएं हैं, अगर ये संघ के विषय प्रचारक पकड़े गए अगर, तो फिर मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगी। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुई, उन्होंने काफी कोशिश की, प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुई। देशव्यापी कार्य और स्वयंसेवकों का समर्पण, स्वयंसेवकों की मनोवृत्ति,
इस कारण से वो संघ से घबराते थे वो। इसलिए शाह कमीशन ने जगह जगह जो उसका समाचार दिया तो आपातकाल में जितने कार्य हुए उन सब कार्यों में, यानी सामाजिक जागरण, राजनीतिक नेतृत्व से मिलना, राजनीतिक से परिचय करना, देश भर के अंदर अंडरग्राउंड आंदोलन खड़ा करना, इस सारे काम में संघ का रोल था। ये उन सब के पास बार बार प्रधानमंत्री के नाते से समाचार पहुंचता था, जो चाहते थे कि संघ ये बंद होना चाहिए। थोड़ा हमारे दर्शकों को भूमिगत आंदोलन के बारे में बताइए, जो बहुत ही व्यापक रहा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसको अंत तक शायद इंदिरा गांधी सरकार तोड़ नहीं पाई। जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया तो देश भर में एक प्रकार से शमशान की शांति जैसे होती है, शमशान में जाते हैं, कोई किसी की मृत्यु होगी तो जैसा शमशान में शांति बन जाती है, सारे देश भर में एक ऐसी शांति बन गई कि ऐसा लगा कि सारे देश के लोगों के अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। तो उस समय संघ के अपने कार्यकर्ताओं ने पहले प्रतीकात्मक सत्याग्रह शुरू किया, यानी जिले के एक केंद्र में, दो केंद्र में एक प्रमुख तीन चार पांच लोगों के द्वारा सत्याग्रह किया जाए। तो मैं उस समय हल्द्वानी में था, तो हल्द्वानी में पहला सत्याग्रह चार लोगों ने जुलाई में किया। स्वाभाविक ही पुलिस को जैसी सूचना थी, जैसा करते थे, पुलिस ने उन सबको पकड़ा, उन पर बहुत अत्याचार किए, मारपिटाई हुई, लेकिन उनसे वो जानना चाहते थे कि भाई आखिरकार ये आपको किसने प्रेरणा दी है, क्या हुआ ये काम और ये सब आप कर रहे हैं, आपको इतना संकट है, कष्ट है, फिर भी आप कर रहे हैं। लेकिन वो उनसे किसी से कोई बात पता नहीं करवाए, उनको अत्याचार बहुत हुए शारीरिक रूप से, और उसके बाद उन सबको जेल में डाल दिया गया। ऐसा देश भर के अंदर एक प्रतीकात्मक सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसे देश भर में वो शमशान की शांति जैसे बन गए थे, उसमें से व्यक्ति को ऊपर को उठना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप था कि ये समाचार देश भर के समाचार पत्रों में आने चाहिए, लेकिन सरकार के भय से कोई समाचार पत्र उसको छापने को तैयार नहीं था, अगर छापता भी तो गिरफ्तार हो जाते वो। तो फिर अपने संघ के लोगों ने स्थान स्थान पर अंडरग्राउंड ऐसे प्रिंटिंग का काम शुरू किया। प्रिंटिंग का मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं, एक साइक्लो स्टाइल मशीन है, साइक्लो स्टाइल मशीन से कुछ पत्र छापना है, उसको जगह जगह भेजने हैं, तो ऐसे साइक्लो स्टाइल मशीन से हजारों पत्र ऐसे और भेज जाते हर जगह से, और पुलिस को भी पता चला तो पुलिस भी गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी। तो फिर अपने अनेक लोगों ने अपने खेतों में जाकर के वहां और छुप करके वहां ये सब पत्र छापे, उन्होंने पत्र छाप करके सारे समाज के सामने इन अत्याचारों का वर्णन किया, यानी जो अत्याचार वो चार लोगों मैंने बताया केवल एक स्थान का ही है, लेकिन देश भर के ऐसे सारे समाचार एकत्र करना और उन सारे समाचारों को सारे समाज के पास पहुंचाना कि किस प्रकार का अत्याचार चल रहा है। तो संघ का ये एक गतिविधि चली। इसके बाद फिर आगे की गतिविधि चली कि संघ के सदस्यों का नित्य प्रति किस रूप से मिलना जुलना हो सकता है। सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, सरसंघ चालक के आदेश से संघ की शाखाएं बंद हो गई, लेकिन संघ की शाखाएं तो बंद हो गई, लेकिन सदस्यों का एकत्रीकरण कैसे हो इस विषय पर योजना बनी, और शाखा के स्थान पर कहीं वॉलीबॉल के रूप में, कहीं क्रिकेट के रूप में, कहीं भजन मंडी के रूप में, ये सारे सदस्य एकत्र होकर के भजन करते करते भी अपने लिए जो जो कुछ आगे की योजना की बात करते बात करते थे। ऐसा अंडरग्राउंड वर्किंग ये सारे देश भर में शुरू हुआ। मैं उत्तराखंड में था तो उत्तराखंड के अंदर भी प्रत्येक जिले के अंदर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सब जगह अंडरग्राउंड काम कैसे हो सकता है, ऐसे अपने काम चल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह सब सूचनाएं, समाचार सब भेजने का उपक्रम हो रहा था। उस कारण से धीरे धीरे सारा समाज वो जागृत हुआ कि हाँ ऐसी ये गड़बड़ी हो रही है। अब भैया आपातकाल के दौर में भूमिगत रहे? हाँ, मैं एक साल भूमिगत रहा। मैं प्रारंभ का जो एक साल था उस समय मैं कुमायूं में ही काम कर रहा था, तो कुमायूं में काम करते करते सामान्यतः सब जगह जाना ना होता था, लेकिन जहां कहीं जाना, किस वेश में जाना, कैसे वेश में जाना है, जैसे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के अंदर सैनिक बहुत रहते हैं, वो छुट्टी पर आते जाते थे, तो मैं भी जब जाता था तो सैनिक का वेश बनाया, सैनिक जैसा सामान लिया अपना, और किसी भी बस से वाहन से चले, तो सैनिक वेश के कारण से कोई भी कभी एकदम अंदाज नहीं आता लोगों को ऐसे सारे। और कुमायूं के अंदर प्रवास करते करते भिन्न भिन्न गांव में जाना, कहीं मंदिर में जाना, सब जगह इस प्रकार का समाज के पास संपर्क करने का काम ये उपक्रम चलता रहा। लेकिन बाद में एक बार ये
समाचार मुझे मिला कि पुलिस को आपकी खोजबीन है, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक पहचान थी मेरी, ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई थी उस समय, ये दोनों। तो उन्होंने कहा कि ये उंगलियां जुड़ी उंगलियों वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं पुलिस वाले। तो ऐसा विषय चला, तो सब लोगों ने कहा भाई तब तो ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो अल्मोड़ा में अपने डॉक्टर थे और उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। मैं 15 दिन वहां रहा अंडरग्राउंड और फिर बाकी उपक्रम चलता रहा। तो पुलिस को इन जुड़ी उंगलियों वाले व्यक्ति की खोज कर देते, उनको वो नहीं मिला, उनको वो पकड़ नहीं पाए। वो गिरफ्तारी पूरे आपातकाल वर्ग में नहीं हुई? नहीं, एक साल के बाद हुई। अच्छा, क्या था वो, ऐसे हुई हमारे? मैं रज्जू भैया उसमें थे और रज्जू भैया का पास एक विशेष काम उस समय था, एक आचार्य सम्मेलन का। आचार्य सम्मेलन यानी देश भर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और मूर्धन्य विद्वान, ऐसे सब लोगों का एक सम्मेलन विनोबा भावे के रखा गया था। तो मैं एक रज्जू भैया का ही पत्र लेकर के नैनीताल के वीसी से मिलने जाने वाला था। तो मैं एक स्थान से आया था, काशीपुर से बैठा। तो बीच में एक स्थान है सुल्तानपुर, वहां एक हमारे परिचित कार्य करते थे पहले, तो उन्होंने हमको देख लिया कि मैं बस में जा रहा हूँ। तो उन्होंने आगे समाचार दिया, आगे एक स्थान है गदरपुर, वहां पर। तो गदरपुर में उन्होंने बस रोके और फिर मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया वहां। तो मेरे पास उसमें पत्र था, और वो पत्र देखने के बाद भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने पत्र देख के अपना रख दिया। शायद कोई संघ से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, लेकिन उन्होंने पत्र देखा कि वाइस चांसलर ने पत्र है, उसमें आचार्य सम्मेलन की सूचना है। तो ये लगभग मेरा अंदाज है कि एक वर्ष बाद जाने 76 में 25-26 जून के आसपास का ही विषय होगा। उसके बाद पुलिस वाला ने थोड़ी पूछताछ किया, उस पूछताछ कोई अर्थ नहीं था, वो पूछताछ कर भी नहीं पाते थे, उनको मालूम भी नहीं था, हमें नहीं बताना चाहते थे। तो एक दिन वहां रहे। अच्छा, जेल भी गए? हाँ। जेल के भीतर का क्या? फिर उसके बाद वो हमको ले गए नैनीताल में। तो वहां से नैनीताल की जेल में रहे वहां। तो नैनीताल की जेल में पहले से ही 50-60 लोग थे वहां। अच्छा। जो संघ का कर्ता पकड़े गए थे, तो उनमें से अनेक अपने पुराने कर्ता मेरे परिचित थे सब। तो गए वहां रहे, तो वहां कोई सामान्यता कोई ऐसी विशेष घटना ही नहीं थी। वहां सबका मिलकर सामान्यता भोजन पान बातचीत ये सब चलता रहता था। हम संघ के जो कार्यक्रम बाहर नहीं कर पाते थे, वहां हम संघ के कार्यक्रम यानी संघ में हम एकाग्र शोध बोलते हैं, प्रातः सम्मन बोलते हैं, शाखा लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब कार्यक्रम वहां हम नैनीताल जेल में करते थे। वहां सारे लोगों के सामने ऐसा कोई कठिनाई वाला विषय नहीं था, लेकिन कभी कभी जब बाहर से लोग आते थे तो वो आकर कहते थे ये आरएसएस वाले जो है हमको जेल में बंद कराए बिना छोड़ेंगे नहीं। यानी उनको लगता क्या था, बाहर से जो लोग आए संघ के संसद आते थे सत्याग्रह करते करते जब आते थे, तो अंदर वाले लोगों को लगता था ये सत्याग्रह करते रहेंगे बार बार और हमको इंदिरा गांधी छोड़ेगी नहीं। तो अन्य पार्टियों वाले अन्य संगठनों वाले बड़े भयभीत होते थे कि अगर ऐसे रहा तो हमारी जिंदगी यही बीत जाएगी। क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि कितने समय तक चलेगा, हम लोग कितने समय तक जेल में रहेंगे, इस तरह की बातें क्या मन में नहीं आती थी? लगता था ऐसी बातें बाकी सब लोगों के मन में आती थी, लेकिन संघ के जो स्वयंसेवक थे उनको एक तो इन विषयों का अभ्यास था, अभ्यास यानी ऐसे कष्ट में रहने का, क्योंकि वहां जेल में रहना कैसे ये मालूम है, खाना कैसे मालूम है। तो वहां की सारी व्यवस्थाएं बहुत कम थी, लेकिन ये अपने को अभ्यास करके अपने संघर्ष शिविर लगते हैं, अपने कार्यक्रम होते हैं, तो पता रहता सबको। तो एक तो उसका कोई कठिनाई नहीं थी, दूसरा संघ का स्वयंसेवक अपने मन का विचार लेके आता था कि मैं देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए जब तक रहना पड़ेगा मैं तब तक रहूंगा, इस मानस से वो स्वयंसेवक आता था। एक बार एक स्वयंसेवक था, वो स्वयंसेवक की किसी प्रकार से उनके जमानत कराने की कोशिश की उनके घर वालों ने, और जमानत हो भी गई, लेकिन वहां ये कहा गया ये अगर माफी लिख करके दें तब इनको छोड़ा जाए। तो वहां अपने संघ के बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको घर वालों को समझाया कि इस प्रकार से इनका अपमान होगा, आपका भी अपमान होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।
इन्हें घर वालों को समझ में आया नहीं, समझ में आता भी नहीं। तो फिर वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, संघ के अधिकारी उनके, देखिए आप इनको ले जाएंगे, ये बाहर जीवित रहेंगे क्या, कोई आवश्यक है क्या? उन दोनों का स्वास्थ्य भी खराब था। तो उनकी पत्नी बोली, अच्छा आपको विश्वास है कि ये यहाँ रहेंगे तो जीवित रहेंगे? तो उन अधिकारी ने कहा, हाँ ये निश्चित विश्वास है, ये ठीक रहेंगे पूरी तरह से। तो फिर वो बाहर नहीं गए, वो सुन से भी अच्छे थे, फिर वो बाहर नहीं गए और आखिर तक ठीक ठाक काम करते रहे। ऐसे अनेक अनुभव हैं बहुत सारे। अच्छा, क्या ये सवाल पूछना लाजमी है कि परिवार लेने आया मगर उन्होंने परिवार के साथ जाने का निश्चय नहीं किया और वहीं, ये क्या ड्राइविंग फोर्स है जो संघ के कार्यकर्ताओं को ड्राइव करती है इस तरह से कार्य करने के लिए? ये राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति समर्पण, क्योंकि वो एक तो संघ के अधिकारियों का जीवन देखते थे, दूसरा हमने पहले कहा संघ के प्रचारकों को देखते थे कि जो प्रचारक अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी छोड़ करके जो इस काम में लगे हैं, एक प्रकार से उनको सब देख के उनके मन में एक श्रद्धा भाव और समर्पण भाव होता था। यदि प्रचारक ने कुछ कहा या किसी संघ अधिकारी ने कुछ कहा तो उसको अक्षरशः लोग मानते थे उसको। तो मन के अंदर एक ही विचार था कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम कर रहे, हम इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके जीवन के लिए करने का एक सामर्थ्य पैदा करता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय। धन्यवाद।